तेल डाल दिया, तेल डालने के बाद ये सारा हम इसमें और मसाला हल्दी सारा कुछ और अभी ऐसे ही पक जाएगा नॉर्मली, ऐसे छोड़ देते। हेलो दोस्तों, माय न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? काश आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो अभी मैं उठा हूँ, देख रहा हूँ कि बाहर एकदम बारिश हो रहा था, उसके बाद से सुबह उठा था, फिर सो गया था और फिर अब देख रहा हूँ थोड़ा धूप है और नदी में पूरा पानी भर चुका है। अब जा रहे हैं हम लोग नदी पर नहाने। मैं हूँ, रुपेश है और एक और लड़का है, तीनों लोग जा रहे हैं। वीडियो में आती है ठीक है, तो चलिए नीचे वेट कर रहे हैं सब, डायरेक्ट चलते हैं और चलेंगे डायरेक्ट नदी में। तो दोस्तों देखिए, दोनों लोग मेरा गाड़ी चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं पर इन लोगों से चालू ही नहीं हो रहा है। अभी मैं जैसे एक किक मारूंगा चालू हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग जाएंगे ठीक है। तब तक देखिए इन लोगों को। तो नदी पे आ चुका हूँ ठीक है, और देखिए कैसा व्यूज़ है, कितना अच्छा व्यू है ठीक है। और वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे नहाने के लिए, तो हम लोग भी चलते हैं ठीक है। देखिए पानी कैसे गिर रहा है, एकदम मस्त मज़े से। देखिए सब लोग बैठ के इसका नज़ारा ले रहे हैं ठीक है। चलिए डायरेक्ट हम भी चलते हैं नहाने के लिए, वो लोग दो लोग गए। दो दोस्तों नहा लिए और तीनों लोग जा रहे हैं ठीक है। देखो ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट, सब्जी लूँगा उसके बाद लेके चलूँगा रूम पे और बनाऊँगा खाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ठीक है, और अपना मुर्गी का पंजा ले आऊँ और डायरेक्ट चलेंगे अब रूम पे, और उन दोनों को छोड़ा हूँ वहाँ पे, वो वहाँ पे रहता है और रुपेश भी वहीं पे रुक गया खेलने के लिए ठीक है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं हम अपने रूम पे लेके। दोस्तों मैं रूम पे आ चुका हूँ ठीक है, जैसे ही आया वैसे ही आते घंटे के लिए लाइन भग गया था, तो मैं भी आराम कर रहा था। तो अभी शाम के बजे हैं 6:30, डायरेक्ट चलते हैं अपने किचन में और बनाएंगे। इससे पहले गाइस लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा ठीक है। डायरेक्ट चलते हैं किचन में। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने अपना चावल रख दिया है और अपना मुर्गे का फीट इधर है ठीक है, और यहाँ पे मैं दो प्याज लूँगा और दो चार मिर्चा लूँगा ठीक है, और एक और दो प्याज और इतना मिर्चा लेके काट लेते हैं फटक से और तब मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा चावल भी तब तक हो रहा है, जब तक काटेंगे तब तक हमारा चावल भी हो रहा रहेगा ठीक है। तो चलिए फटक से इसको काट लेते हैं, अभी ऐसे ही पक जाएगा नॉर्मली, ऐसे छोड़ देते। दोस्तों यहाँ पे हमारा चावल भी हो रहा है ठीक है, चावल यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे मिर्चा प्याज अपना काट लिया हूँ और यहाँ पे अपना ये मुर्गे का पंजा धो के ला दिया हूँ ठीक है। अब कढ़ाई रखते हैं इस पर। दोस्तों हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है ठीक है, इसमें हम तेल डाल देंगे। तो दोस्तों तेल डाल दिया, तेल डालने के बाद ये सारा हम इसमें डाल देंगे और ये अपना मुर्गी का पंजा भी इसमें सारा कुछ डाल देंगे इसमें, और मसाला हल्दी सारा कुछ ऑल टू ऑल सारा एक ही बार डाल देंगे। ये हल्दी डाल दिया और ये मसाला डाल देंगे ठीक है, ये मसाला डाल दिए और इसको क्या करेंगे अब ऐसे ही थोड़ा चला के छोड़ देंगे। अभी जब नीचे से ये सिकाई होगा, तेल जब पूरा फैलेगा तब ये पूरा अच्छी तरीके से फ्राई होगा ठीक है। देखिए नीचे तेल है सारा, अभी इसको अल्टी पल्टी करूँगा तब ये सही होगा। इसको हम क्या करेंगे सिकर के, और इसमें अभी एक चीज डालना तो बाकी है, अपना नमक, अपना नमक निकालते हैं और इतना ना डाल दूंगा ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा फिर चला दूंगा नमक, ये इतना चाहिए अभी। इसको हम क्या करेंगे एकदम ढक देंगे और वेट करेंगे, देखिएगा कैसा हो जाएगा आपके सामने ठीक है। चलिए इसको ढक देते हैं, ढक देते हैं, वेट करते हैं। और यहाँ पे हमारा चावल, देखिए चावल हमारा अभी भी हो रहा है, इसको ऐसे ही ढक देंगे और वेट करेंगे।
तो देखते हैं गाइस, बहुत देर हो गया और ये देखिए प्याज व्याज सारा ठीक है नीचे हो गया, गल रहा है और थोड़ा मसाला भी पकड़ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी डाल देंगे ठीक है, हल्का सा पानी डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कैसा हो चुका है इसमें, ना पानी डाल देंगे और इसको आधे घंटे तक छोड़ा था, आधे घंटे बोल रहा हूँ, अब इसको छोड़ देंगे 10-20 मिनट तक और वेट करते हैं। और यहाँ पे हमारा चावल देख सकते हैं ये हो रहा है और वेट करते हैं अभी। तो दोस्तों अब चेक करते हैं, 20-30 मिनट हो गया ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे अच्छे से ये मसाला पक गया है और प्याज अभी खड़े पे खड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे पानी और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। प्याज नहीं गला, नहीं गले, मुझे भूख लगा है ठीक है, इतना पानी डाल दिया। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा चला के ढक देंगे, ये चला लिया और इसको अब ढक देंगे। अब इसका लास्ट होने वाला है ठीक है, अभी ये पक जाएगा तो उसके बाद चावल और अपना चिकन का फीट लेके चलेंगे बाहर। ओके चलिए वेट करिए। देखिए हमारा मुर्गे का पंजा ओके ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं बाहर और चावल को अपने लेके चलते हैं बाहर। दोस्तों सारा सामान लेके आए और यहाँ पे देखिए लाइट भी बग गई, मोबाइल का टार्च जला के काम कर रहा हूँ ठीक है। इसमें हम अपना चावल निकाल लेते हैं फटाक से, चलिए निकाल लेते हैं। ये हमारा चावल हुआ है गीला, चलिए निकाल लेता हूँ गाइस। तो दोस्तों यहाँ पे चावल निकाल लिया हूँ ठीक है, और अब निकाल लेते हैं हम अपना देखिए गाइस कैसा बना है, कमेंट गाइस ज़रूर करिएगा देखिए कैसा बना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बनता है मेरा। ये हमने निकाला और ले लेंगे ग्रेवी। ये दो प्याज स्टाइल में बनाया हूँ, दो प्याज में प्याज ऐसे खड़े खड़े रहता है और इसको हम ढक देते हैं। और इसको ट्राई करेंगे बट अभी बहुत गर्म है, रुकते हैं थोड़ा 5 मिनट। दोस्तों लाइन भी आ गई और फैन भी चालू हो गया ठीक है, और ये अब चेक करते हैं, हल्का फुल्का ठंडा भी हो चुका है उसे हम चेक करते हैं। और ये एक नंबर भाई, और ये देखो ये ऐसे ही टूट गया ठीक है, देख लो और कमेंट जरूर करना। और इसमें ये ऐसे लपेट के ये गया, एक नंबर ये बनाया हूँ गाइस गांवटी स्टाइल में, वो भी दो प्याज हैं, प्याज इसमें खड़ा खड़ा ही रहता है, सब मसाला वसाला सारा पक जाता है ठीक है। ये एक नंबर हुआ है, गाइज आप लोग एक बार ट्राई करके देखना ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये इसको ऐसे किया, मुर्गा का टंगड़ी गाइज एक बार ट्राई करके देखना,
मजा ना आए ना कमेंट में गालियां भर के देके जाना, ठीक है? पर एक बार चेक करके जाना कैसा बना है कैसा नहीं, बना के अपने चेक करना, ठीक है? और ये हमारा तंगड़ी, देखिए चले गए, खा लेते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। हम भूख लगी है, सुबह से खाया भी नहीं मैंने कुछ, भटक से खा लेते हैं।